डिजाइन के साथ, ऊपर से इतना बराबर बराबर गैप भी दिया है तूने। अरे पहले मेरा भी ना बहुत हाथ शेक होता था, इसके लिए ना मैंने हैक यूज किया था। इसके लिए मैं टेप लेती हूँ और हाथों पे ऐसे लगा लेती हूँ और इसके बाद जो मर्जी हो वो डिजाइन बनाओ, और इसके बाद तुझे लाइन और गैप बिल्कुल इक्वल मिलेगा। तेरा ये हैक मैं भी फॉलो करूंगी, और जिन लोगों का हाथ कांपता है स्ट्रेट लाइंस और गैप्स नहीं आ पाते ना, उन लोगों को इस वीडियो को ना 30,000 लाइक्स तक अभी पहुंचा देना चाहिए। और हाँ, मेरी इस ट्रिक के लिए DIY क्विन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं आपको बताऊंगी इतनी सुंदर मेहंदी डिजाइन जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ टेप और छोटे छोटे फिलिंग डिजाइन जिसे बच्चे भी इजीली बना लेंगे। ये टेप तो हर घर में मिल जाएगी, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर थोड़ा थोड़ा गैप देके अपने हाथ में चिपकाते जाओ। टेप के कॉर्नर से होते हुए दोनों साइड में सीधी लाइंस बना रही हूँ। अब थोड़ा सा गैप देके दोनों साइड में एक और लाइन बना रही हूँ, और ऐसे ही हर टेप के दोनों साइड्स पर हम दो दो लाइंस बना लेंगे। अब भाई इस डिजाइन के क्या कहने, यूं समझ लो कि स्पाइरल डिजाइन है या फिर एक गोल सर्कल के अंदर छोटा बिंदु, और बस पूरे गैप में इसे बनाते जाओ और देखो देखते ही देखते बन गया हमारा डिजाइन। और भाई ये डिजाइन देखने के बाद ना मुझे मरमेड की याद आ गई, पूरी फिश टाइप का लग रहा है ये डिजाइन। और इस सेकेंड डिजाइन के लिए छोटी छोटी मोटी मोटी फूल पत्तियां बनाते जाइए, इतना डिजाइन तो सभी को बनाना आता है। और इसके बाद ये जो खाली जगह दिख रही है ना, इसे हम मेहंदी से फिल कर देंगे। और ये डिजाइन भरने के बाद जब हमारी मेहंदी सूख जाएगी ना, तो हमारी मेहंदी का जो डार्क मरून कलर है उसमें से जो हमारी स्किन का कलर दिखेगा ना, उससे आपकी मेहंदी में चार चांद लग जाएंगे। अब बारी आती है हमारी तीसरी डिजाइन की, जो कि बेहद सिंपल है। इसमें क्या करना है, बस चेक डिजाइन बनाना है। बचपन में जैसे हम जीरो कटर्स खेलते थे और उसके लिए हम चेक बनाते थे ना, बस वैसा ही हमें इस गैप में चेक बनाना है, और जहां पर भी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट पर हमें छोटे छोटे स्टार्स बना देने हैं। और देखो देखते ही ये चेक डिजाइन हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे हमने बहुत मेहनत से डिजाइन बनाया हो, जबकि कितने सिंपल स्टेप से बनाया है। अब ये वाला फिलिंग डिजाइन तो मेरा फेवरेट है। इसके लिए बस कोने में एक छोटा सा बिंदु रखो, दो लाइंस, उसके बाद तीन लाइंस बनाकर उसमें छोटी छोटी पैटर्न्स बनाओ, फिर से एक डॉट बनाओ, दो लाइंस बनाओ, और उसके बाद छोटी छोटी पैटर्न्स बना के तीन लाइंस, ऐसे करते करते आप पूरा गैप भर दो। और बस सेम चीज को रिपीट करते जाना है और हमारा गैप भरकर रेडी हो जाएगा। मेहंदी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीजों को सीख लें और बस उसे रिपीट करते जाएं। और बस कुछ ऐसा ही डिजाइन मैंने उंगलियों पर भी भर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा डिजाइन है जिसे हम रिपीट करते गए और बनाते गए, और हमारी जो मेहंदी है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी कि पता नहीं कितनी मेहनत से बनाया है। अगर आप ये छोटे छोटे डिजाइन बनाना सीख गए ना, तो आपकी मेहंदी कम एफर्ट में इतनी ही सुंदर दिखेगी। और हाँ, नेल के अराउंड मेहंदी से फिल करना ना भूलें। और ऐसे ही छोटा डिजाइन मैं अपने थंब पर भी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी मेहंदी को और हाइट देने के लिए इस तरीके का डिजाइन बना रही हूँ। अब टाइम आता है इन सारी टेप्स को रिमूव करने का। अब हम इन सारी इनर लाइंस को छोटी छोटी डॉट से डेकोरेट करेंगे।
और यहाँ पर हमारी मेहंदी लगकर डन हो चुकी है। आपने देखा ना कि स्टेप मेथड की वजह से एक एक गैप इक्वल आया है और हमारी लाइन स्ट्रेट आई है। अब मेहंदी भी खत्म और वीडियो भी खत्म। आपने 30,000 लाइक्स तक तो वीडियो को पहुंचा दिया होगा ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, नहीं तो आपको DIY क्वीन का नया वीडियो कैसे पता चलेगा। हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।